Okay, so today we are starting the topic of 1-1 and ongoing. Okay, 1-1 and ongoing. You have already studied 1-1 and ongoing. 1-1 function. What is 1-1 function, first of all? Or we'll start with the definition of function. So, definition of function. So, function kab banta hai? Bolo. फंक्शन की डेफिनेशन मैंने जब पहली बार समझाई थी आपको बोला था व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है. तो चलो पहले तो एक डोमेन डिफाइन होना चाहिए. दिस इज डोमेन. ओके, डोमेन वहां का कुछ वैल्यू कुछ रिलेशन एफ पे जाना चाहिए. डोमेन की सभी वैल्यू अगर ये रिलेशन में जाती है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इमेज. क्या प्रोड्यूस करेगा, इमेज. जो आना चाहिए वो दूसरे कैसे दूसरे सर्कल में आना चाहिए. सर्कल का दूसरा इसका नाम क्या है, कोडोमेन. दिस इज कॉल्ड कोडोमेन. ओके, ये डोमेन की सभी वैल्यू यहाँ पे जानी चाहिए और उसका कुछ आंसर कहाँ पे मिलना चाहिए, इमेज जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलना चाहिए, कोडोमेन. अगर ये टर्मिनोलॉजी को कुछ वायलेट होता है तो वो फंक्शन नहीं होता है. जैसे कि लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ एफएक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एंड आपको अगर डोमेन में आर दिया है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सपोज. सर तो यहां पे ये जो डोमेन है, डोमेन आर, आर में से मैं सभी वैल्यू इसके ऊपर फिजिबल होनी चाहिए. आर की सभी वैल्यू मैं फंक्शन में रखूंगा तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा. लेकिन यहां पे आर में एक वैल्यू होती है 0 जो मैं यहाँ नहीं रख पाऊंगा. क्यों, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड. और ऐसा नहीं है कि पहली बार करा था, ये मैंने पहले भी आपको आगे समझाया है व्हाट इज 1/x. अगर ये 1/x फंक्शन बनेगा तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि डोमेन के अंदर, इन दिस डोमेन आर शुड बी मिसिंग. अगर आर आर में 0 मिसिंग होना चाहिए. अगर 0 मिसिंग नहीं है तो क्या होगा, ये फंक्शन बनेगा, फंक्शन नहीं बनेगा. तो पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन समझ लें, फिर हम जाएंगे 1-1 फंक्शन के ऊपर. तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन के लिए ये डोमेन से कौन सी वैल्यू चाहिए, सभी वैल्यू रिलेशन में जानी चाहिए. ओके, अगर उसमें जाती है और कुछ इमेज बनती है और बनेगी डेफिनेटली, कुछ वैल्यू डालोगे तो कुछ इमेज बनेगी. वो इमेज कहाँ पे आनी चाहिए, कोडोमेन के अंदर. कहाँ होनी चाहिए, कोडोमेन के अंदर. सो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये अगर कुछ डोमेन है, डोमेन की सभी वैल्यू फंक्शन में जानी चाहिए. ये रिलेशन आपके सामने, ये रहा ये रिलेशन, सभी वैल्यू हम पॉसिबल होनी चाहिए कि अंदर जा सके. और उसका कुछ इमेज मिलेगा वो कहाँ पे होना चाहिए, कोडोमेन में. पर उसके बाहर होगा तो भी फंक्शन नहीं है. जो भी आंसर बनेगा वो किस में आएगा, कोडोमेन के अंदर ही आएगा. तो ये बेसिक फॉर्म से मैंने फंक्शन समझाया. दूसरे दो तरीके से फंक्शन नहीं बनते हैं. कौन से है वो दो तरीके, दैट इज व्हाट दूसरा जो फॉर्म समझना है फंक्शन के लिए वो है ये कि अगर डोमेन से एक वैल्यू का अगर आपको दो इमेज मिल रहा है, एक वैल्यू का दो इमेज, टू इमेजेस ऑफ वन वैल्यू, मतलब इज नॉट अ फंक्शन. इज नॉट फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है कि एक वैल्यू के दो इमेज नहीं होने चाहिए. ओके, दूसरा फंक्शन कब नहीं बनेगा, जब आपका इमेज बन रहा है. इफ यू आर गेटिंग एन इमेज एंड अगर आपको कोई इमेज मिल रहा है एंड वो इमेज, यहाँ से कोई इमेज मिला वो कोडोमेन के बाहर का होगा, आउट ऑफ कोडोमेन, तो वो भी फंक्शन नहीं बनेगा, नॉट फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन. ओके, सो तीन केसेस समझते हैं फंक्शन के लिए. एक है ये रहा कि अगर आप डोमेन की सभी वैल्यू, फ्रॉम द डोमेन यू शुड बी एबल टू पुट ऑल द वैल्यू इन फंक्शन एंड यू शुड गेट इमेज. अगर एक भी वैल्यू रह जाएगी तो इट इज नॉट फंक्शन. दूसरी एक बात, ये वन वैल्यू शुड नॉट प्रोड्यूस टू इमेजेस. एक वैल्यू के दो इमेज नहीं बनने चाहिए, बराबर. एंड जो तीसरा केस मैंने समझाया है कि
डोमेन की जो इमेजेस बनती है वो ऑलवेज किस में होनी चाहिए, को डोमेन के अंदर। वो को डोमेन के बाहर चला जाएगा देन आल्सो इट इज नॉट द बंदर। चलो थोड़ा डोमेन समझते हैं, थोड़ा डोमेन क्लियर करते हैं। सो डोमेन के लिए चलो जस्ट फॉर एग्जांपल फंक्शन अगर आपके सामने बनाया है 1 अपॉन x माइनस 1 तो इसका डोमेन क्या बनेगा, बोलो डोमेन क्या बनेगा, आर माइनस वन, आर माइनस वन, आर माइनस वन क्या होगा इसका डोमेन। अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से सपोज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन ये है तो रूट का डोमेन क्या होता है, ध्यान रखना कि ये वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसका डोमेन ढूंढना है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। सो यू शुड गेट x प्लस 1 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, सो द डोमेन इज, इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन विल बी नहीं ऐसा नहीं ग्रेटर देन माइनस 1 हुआ, माइनस 1 से बड़ी वैल्यू। So what you will write, you can also write is r minus, आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 एंड ओपन, इसमें माइनस 1 होना चाहिए, माइनस 1 चलेगा कि नहीं चलेगा इधर। सो what does this indicate, इसमें सभी वैल्यू चलेगी लेकिन माइनस इन्फिनिटी और माइनस 1 की वैल्यू नहीं चलेगी, माइनस 1 चलेगी कि नहीं चलेगी इधर। Can we use minus 1 or not? Minus 1 plus 1 क्या होता है, 0, so that is valid, okay? अगर क्लोज ब्रैकेट निकालेंगे तो हमने r में से इसको माइनस कर दिया, माइनस 1 को भी निकाल दिया, वो भी नहीं निकल रहा। इसमें ये कन्वे कर रहा कि माइनस 1 किधर है, इधर नहीं, कहाँ है r, जो वैल्यू हम लेनी है हमें लेनी है उसको माइनस 1 है कि नहीं है। अगर मैं इधर क्लोज ब्रैकेट निकाल दूँ, अगर मैं क्लोज ब्रैकेट निकाल दूंगा तो मैंने r में से माइनस 1 को भी निकाल दिया, वो मीनिंग कन्वे होगा, ओके। सो ये रूट वाले जो फंक्शन है उसका ये होता है। देन कम्स लॉगरिथम फंक्शन, चलो लॉग वाला अगर कोई फंक्शन है, लॉग लॉग ए टू द बेस अगर बी है, चलो तो ये ए की वैल्यू क्या रहेगी ऑलवेज, ए शुड बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, बी शुड बी ग्रेटर देन, ये भी 0 होता है, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, बट बी शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्या होता है, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, बी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 1, देन ये थोड़ा डोमेन समझाया, ओके। सो उसके ही रिलेवेंट अगर मैं आपको पूछूं कि साइन का डोमेन, चलो साइन थीटा आपने जब लिया था, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा का डोमेन क्या होगा, आपने क्लियरली बोला था थीटा बिलोंग्स टू आर, इसका रेंज क्या आएगा वो भी आपको पता है, माइनस 1 टू 1। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ कि इनवर्स फंक्शन पे मुझे जाना थोड़ा, इसलिए सो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बिलोंग्स टू आर, फिर आप बोलोगे साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा के रिलेटेड भी आपने डोमेन सपोज किया था, व्हाट इज कॉस थीटा, उसमें भी थीटा बिलोंग्स टू आपने आर ही लिया था, आंसर तो माइनस 1 टू 1 ही था, ओके। फिर टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा को भी आप आर ले लो लेकिन आप कुछ वैल्यू नहीं ले सकते, ऐसा आपने समझा भी था कि क्या होता है 2n plus 1 pi by 2, 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z, वो नहीं चलेगा, ओके। चलो अब ये थोड़ा बेसिक मैंने डोमेन बताया, नाउ आई होप यू आर क्लियर विद फंक्शन, फंक्शन कैसे होता है वो क्लियर है, तब मैं अब आपको समझाऊंगा वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन मीनिंग क्लियरली समझाता है कि वन वन कैसे चेक करना, मीन्स एक वैल्यू फ्रॉम द डोमेन शुड हैव ओनली वन इमेज इन को डोमेन, दूसरी वैल्यू दिस इज वन, दिस इज से सपोज ए, अगर टू है तो उसका कनेक्शन कुछ नई वैल्यू के साथ होगा, 1, 2, अगर 3 वैल्यू लेते हैं तो ये किसके साथ होना चाहिए, सी। सो हर एक वैल्यू का इंडिविजुअल यूनिक कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज फॉर वन वन, वो आपको पता भी है, लेकिन अब आपको मैथमेटिकली चेक करना है
कोई फंक्शन का वर्णन है क्या नहीं है. तो जस्ट फॉर एग्जांपल से सपोज लीनियर फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 2. चलो अब ये वर्णन है कि नहीं हमें चेक करना. तो हम क्या करेंगे, कुछ भी डोमेन में कुछ दिया है आर टू आर, चलो आर टू आर दिया है. तो आप क्या करोगे, आर में से कोई भी एक वैल्यू लो, से सपोज आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू से 0. इफ आई पुट एफ ऑफ 0, व्हाट इज द आंसर, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, 2. आपको एक आंसर क्या मिला, एफ ऑफ 0 का आंसर 2 मिला. चलो अब चेक करते हैं यहाँ पे. अगर आपको ऐसा समझ लो ये हुआ, ये 0 रखा तो आपको क्या आंसर मिला, 2. नाउ आर यू गेटिंग 2 फॉर सम अदर वैल्यू ऑर नॉट. तो हम रिवर्स चेक करेंगे. हम क्या करेंगे, एफ एक्स का सीधा आंसर, ये कैसे बनता है, एफ एक्स से एफ एक्स का सीधा आंसर 2 ले लो. टेक इट एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू 2 ले लो. तो व्हाट इज एफ एक्स, 5x + 2 इज इक्वल टू 2, 2 विल गेट कैंसिल. एक्स एक ही वैल्यू, एक्स क्या है, 0 ही है. तो दिस इज 1 1. अगर ऐसा होता है कि आप एक वैल्यू लो आंसर 2 मिला, अब 2 किसके लिए मिलता है वो चेक कर लो. अगर उसमें कुछ नई वैल्यू आई, x इक्वल टू से 0 के बदले 1 आया, तो वो 1 1 नहीं होगा. क्यों, कि 1 के लिए भी 2 आएगा और 0 के लिए भी 2 आएगा. दो वैल्यू का एक आंसर 1 1 नहीं, मैनी 1 होगा, 1 1 नहीं. ठीक है, 1 1 अभी नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल जो समझाना है 1 1 रिलेटेड वो ये. चलो अगर मैं f इज अ फंक्शन फॉर्म r टू r ले लो एंड से fx इज इक्वल टू x² + 2x + 3. चलो अब ये 1 1 है कि नहीं हमें पता है, क्वाड्रेटिक 1 1 नहीं होती. लेकिन वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू 0 ले लो यहाँ. तो एफ ऑफ 0 क्या हुआ, 3. अब यही फंक्शन को चेक करना है 1 1 है कि नहीं है. तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ले लो एंड वेरीफाई करो कि भाई 3 कौन सी वैल्यू के लिए आता है. तो ये होगा x² + 2x + 3 = 3. ये 3 3 कैंसिल. सो x कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x + 2 = 0. x = 0 और x = -2. सो दो वैल्यू के लिए एक आंसर आया. तो नॉट 1 1. अगर मैं डोमेन चेंज कर लेता हूँ, यही एग्जांपल में से f इज अ फंक्शन फ्रॉम r + 2 r. चलो और हमें तो पता है इसका रेंज भी क्या आएगा, वो बाद में, चलो रेंज की बात बाद में करते हैं. पहले ये क्लियर कर लो कि अगर मैंने डोमेन चेंज कर लिया यही क्वेश्चन में r + 2 r, तो मुझे पहले तो डोमेन से कौन सी वैल्यू लेनी है. एक्स इज इक्वल टू, मैं 0 नहीं ले पाऊंगा, व्हाट वैल्यू आई शुड टेक, 1. चलो एफ ऑफ 1 रखो, एफ ऑफ 1 रखा तो क्या हुआ, 1 + 2 + 3 क्या हुआ, 6. चलो एफ ऑफ 6, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 6 कब आती है, दैट विल फाइंड. चलो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, x² + 2x + 1 + 3 = 6. सो आगे हम 6 को इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, बोलो, x² + 2x - 3 = 0. चलो अब -3 को स्प्लिट करके 2 लाना है, बोलो, x² - 3x + 3x - x - 3 = 0. अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x + 3 - 1 कॉमन x + 3. तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1. x इज इक्वल टू क्या हुआ, -3. अब देखो ये x दो आंसर आया तो आप जल्दबाजी में बोल दोगे नॉट 1 1, लेकिन -3 जो है वो डोमेन के अंदर है क्या, 1 बिलोंग्स टू r प्लस, लेकिन -3 डज नॉट बिलोंग्स टू r प्लस. सो एक ही वैल्यू का आपको 6 आंसर मिलेगा, वो कौन है, x इज इक्वल टू 1. एक्स इक्वल टू 1 के लिए ही आपको क्या मिलेगा, 6. दूसरी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी नेगेटिव वैल्यू ही होगी. ओके, सो से 1 1 डोमेन अगर चेंज हो जाता है तो 1 1 का कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाता है. तो
ये डोमेन अगर चेंज हो गया तो 1-1 का कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाएगा। अगर 1-1 फंक्शन है तो उसका दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज 1-1 का 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन बोलो या फिर आप बोलो इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव आयन इंजेक्टिव फंक्शन, ओके 1-1 फंक्शन बोलो या इंजेक्टिव फंक्शन बोलो। चलो 1-1 ऑटो चेक करने का दूसरा भी एक तरीका है जो मैंने ग्राफिकल मेथड से आपको समझाया था पहले, फिर से एक बार देखते हैं। अगर चलो कोई लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू से सपोज 5x+2, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, चलो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये है एक लाइन, लीनियर है तो उसका एक ग्राफ बनेगा। अब ये इसके डोमेन के अंदर विद इन दैट डोमेन अगर आपको ये चेक करना है 1-1 है क्या, तो क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन को ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ओके देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज 1-1, ये फंक्शन क्या होगा 1-1 होगा। चलो एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, से p ऑफ x इज इक्वल टू सिंपल x² ले लेते हैं, पैराबोलिक कर्व ले लेते हैं, ओके ये ऑलरेडी आपको आता है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। चलो ये हुआ, ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक कर्व, क्वाड्रेटिक कर्व को आपको चेक करना 1-1 है कि नहीं, तो क्या करेंगे 1-1 है कि नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पे टच किया, 2 पॉइंट पे विद इन द डोमेन, इसका डोमेन क्या था, से सपोज R2R, ओके R2R पे ये टच होता है राइट, R2R पे ये 2 पॉइंट पे टच हुआ तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट वन। लेकिन अगर मैंने डोमेन चेंज कर लिया, अगर डोमेन चेंज कर लेते हैं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम R+2 से R, तो इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, 0 से एक ही साइड पे ऊपर जाएगा। अब अगर आप इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ भी करोगे, ओके तो कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे, तो अब ये क्या हो जाएगा 1-1, ये क्या होगा, नॉट 1-1। ये भी मेथड मैंने समझाई थी, इसके ऊपर का तरीका कि अगर आपको कोई फंक्शन, अगर आपको कोई फंक्शन, चलो साइन कॉस का भी समझा देता हूँ, साइन कॉस का बोलो, मैंने समझाया था आपको, इफ यू रिमेंबर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से भी 1-1 चेक कर सकते हैं। सो ये पूरा जो मैं स्लाइड बना रहा हूँ, दैट इज बेसिकली फॉर, चलो स्लाइड आगे कैसे चला गया, दूसरा जो तरीका है तरीका है वो 1-1 ऑटो चेक, 1-1 चेक कर लेगा वो, अगर कोई फंक्शन आपको दे दे, से सपोज f(x) = 2x+3 एंड डोमेन भी आपको से दिया है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, चलो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सो अगर आप डेरिवेटिव कर लो, चलो f(x) क्या हुआ 2, ये क्या हुआ ग्रेटर देन 0, आपको पता है कि अगर f(x) ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, एक साइड पे वो इंक्रीज करता रहेगा, तो ये क्या हुआ, एक ही पैटर्न पे बढ़ेगा,
अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो वो हिसाब से अगर स्ट्रिक्टली फंक्शन इंक्रीजिंग होता है विद इन द डोमेन तो वो फंक्शन क्या होगा 1 1. लेट अस टेक क्वाड्रेटिक एग्जांपल. fx is equal to, चलो x square plus plus 4x plus 4. चलो what is the derivative of this fx is equal to 4? 2x plus 4. चलो फंक्शन दिया है आपको, f is a function from R to R. फंक्शन आपको दिया है, x is a function from R to R. चलो तो f dash x is equal to 2x plus 4. Now you are not sure कि ये increasing है या decreasing है. तो आपको ये चेक करना, चलो सवाल बदल देते हैं, कहाँ पे ये वन वन है, वेर इज फंक्शन वन वन. चलो सवाल चेंज कर लिया, फंक्शन वन वन कहाँ पे है बराबर. तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इंटरवल ढूंढ लो. क्या होता है अगर मैं इसे इक्वल टू जीरो ले लूँ तो टू एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस टू एक्स माइनस फोर, आंसर इज माइनस टू. सो आप क्या करो, ये पूरा जो रास्ता है उसको दो पार्ट में, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू टू इंफिनिटी में डिवाइड करो. ओके क्या करो, ये पूरा जो रास्ता है उसको माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू एंड माइनस टू टू इंफिनिटी इसको डिवाइड कर लो. नाउ पुट द वैल्यू फ्रॉम हियर. चलो माइनस टू से यहाँ का से सपोज कोई भी वैल्यू मैं इधर रखू एफ डैश एक्स में, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखूंगा तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एफ डैश एक्स, क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो. तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग. अगर माइनस टू से ऊपर जीरो रखूंगा तो ये एफ डैश एक्स कैसा बनेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो. तो यहाँ पे क्या होगा, तो फंक्शन इज वन वन हियर एंड फंक्शन इज वन वन हियर. स्ट्रेट इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रेट डिक्रीजिंग होगा, वहां पे ही फंक्शन वन वन बनेगा बराबर. तो पूरा आर पे, पूरे आर पे ये वन वन नहीं, पूरे आर पे ये वन वन नहीं है, ये वन वन होगा इंटरवल में. कौन से इंटरवल में वन वन होगा, जहाँ पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे ही फंक्शन वन वन. क्यों ऐसा, ग्राफ अगर इसका आप ड्रॉ करो, रफ ग्राफ ड्रॉ करता हूँ फेयर नहीं, तो रफ ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा कुछ. चलो माइनस टू से ये कौन सा का होगा, क्वाड्रेटिक का होगा. तो माइनस टू सपोज इधर आता है, सो माइनस टू से ये कहो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जा रहा है ऐसा, एंड माइनस शायद ऐसा कुछ मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है एंड यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसा समझ. तो ये दो रीजन के अंदर इसका थोड़ा वैल्यू अलग अलग है, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ये क्या है, जैसे आप वैल्यू इंक्रीज करिए ग्राफ थोड़ा रॉन्ग ड्रॉ किया है, ऊपर आना चाहिए. जैसे आप वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो या माइनस में जा रहा ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए. तो ये अगर आप इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो इट इज वन वन हियर, आप इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो इधर वन वन होगा. लेकिन दोनों को साथ में ले लोगे, दोनों को साथ में लोगे तो इट इज नॉट वन वन. ये रफ ग्राफ था जस्ट टू एक्सप्लेन वेदर माइनस टू से ये ब्रेक हो रहा है, माइनस टू से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक साइड पे इंक्रीज होगी या तो एक साइड पे डिक्रीज होगी. ओके सो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन दूसरा नाम क्या है इसका, सर्जेक्टिव. ऑन टू का मतलब क्या होता है, पहले तो सिंपल डेफिनेशन समझाऊंगा कि रेंज ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू को डोमेन. रेंज ऑफ एफ इक्वल टू फोर डोमेन हो जाता है तो ये बनता है ऑन टू. ओके एक एग्जांपल समझा देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू से सपोज आर टू, एफ एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम, चलो फिर से एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम से आर टू आर, पहले आर टू आर की बात करते हैं. ओके एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लेता हूँ, से सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x plus 1. चलो सिंपल फंक्शन लिया, f fx is a function from R to R and f x equal to x square plus 2x plus 1. अब ये 1 1 तो नहीं है, वो आपको पता है क्वाड्रेटिक है,
इसका आपको 1-1 भी चेक करना, तो कैसे चेक करेंगे 1-1 फंक्शन है कि नहीं है? दो तीन तरीके हैं, मतलब पहले तो आप इसका डेरिवेटिव भी ले सकते हो, या फिर x equals to 0 रखो, you will get fx, f of 0 क्या मिलेगा आपको, f of 0 is equal to 1, फिर से fx is equal to 1 रखो, so you will get x square plus 2x plus 1 equals to 1, ये 1-1 cancel, x is common, x plus 2 is equal to 0, x is equal to क्या हुआ, x is equal to 0, x is equal to -2. दो वैल्यू का एक आंसर, 0, -2, it is giving you one answer, not 1-1. What is not 1-1? चलो, not 1-1 है, उसके बाद हमें चेक करना है ये on 2 है कि नहीं. अब on 2 का मतलब क्या होता है कि इसका रेंज पहले ढूंढो. चलो, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, तो मैंने क्वाड्रेटिक का रेंज सिखाया है आपको, हाउ टू फाइंड इट. नहीं याद है तो कैसे करना होता है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना. चलो, कोई भी क्वाड्रेटिक हो उसका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना. चलो परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. नाउ टेल मी, यहाँ पे मैं डोमेन से कोई भी एक्स की वैल्यू रखू, ये एक्स स्क्वायर जैसा हो गया. एफ एक्स का आंसर ऑलवेज एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इधर मैं एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी रखूंगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा. सो इसका मिनिमम आंसर क्या होने वाला है, बोलो. अगर मैं -1 रखूं इधर, डोमेन से मैं -1 प्लस 1 क्या होगा, 0, बाकी 0 से ऊपर ही वैल्यू रहेगी. क्यों, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जैसा है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव. सो दिस आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस आंसर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब थोड़ा डायग्राम फॉर्म में समझाता हूँ ये क्या मतलब निकलता है. आंसर ऑलवेज 0 से ऊपर ही मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, आंसर ऑलवेज आपको 0 से ऊपर मिलेगा. सो यहाँ से अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ, ये 0 है, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर कौन सा आंसर होगा, नेगेटिव. सो यहाँ से कोई भी मैं वैल्यू रखूँगा तो ये ऐसे ही जाएगा, इधर ही वैल्यू बनाएगा, कोई भी वैल्यू. ये वैल्यू तो यूज हुई नहीं, मतलब कोडोमेन रेंज जो आ रही है वो पॉजिटिव पे आ रहा है, एंड कोडोमेन जो है वो पूरा क्या दिया है, आर. एंड हमारा जो रेंज आ रहा है, मीन्स वॉट एवर द आंसर वी आर गेटिंग आंसर एज आर प्लस यूनियन 0. ये दोनों सेम हुए क्या, आर एंड आर प्लस यूनियन 0 सेम हुए? नहीं, इट इज नॉट सेम. तो ये ऑन टू नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट It is not onto. Is it clear? So onto के लिए basically थोड़ा इससे tough example try करते हैं. Onto के लिए अब 1-1 तो I hope it is clear to you. Now we will not waste time on one. 1-1 say fx is equal to root x. And obviously इसका domain क्या होगा बोलो? R plus union 0. And इसका answer कभी negative तो आता नहीं. So इसका भी क्या होगा? R plus union 0. अब अगर डोमेन दे ही देते हैं तो सवाल आता ही हो गया आपका. आप सोचो ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा. आप इधर कोई भी रूट की वैल्यू रख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, एंड आंसर विल बी रूट इन रूट. तो वो ऑलवेज किस पे आएगा, आर प्लस यूनियन 0. अगर वेरिफिकेशन करना तो क्या कर लो, y इज इक्वल टू क्या कर लो, रूट एक्स. y इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, रूट एक्स. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, Now, y की यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, डोमेन फोर डोमेन से वो बोलो. यहाँ जो फॉर ऑल लिखना कैसे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r प्लस यूनियन 0, लेकिन ये कौन है, फोर डोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू अगेन r प्लस यूनियन 0, लेकिन मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप देख के बोल बोल दोगे कि इट इज 1-1 होगा, 1-1 होगा, होगा. चेक करो, रूट एक्स है एंड पॉजिटिव पे है,
जब हम इसका इनवर्स बनाएंगे तो पहले ये चेक करना होता है कि फंक्शन इज 1 1 एंड 1 2 1 अगर इसका इनवर्स बनाना है तो हम क्या करेंगे sin थीटा इज इक्वल टू y ले लो सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स ये कब बनेगा इफ इट इज ओनली पॉसिबल इफ sin इज 1 1 एंड 1 2 वन वन ऑन टू दोनों होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव ओके वन वन ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव होगा तभी साइन इनवर्स मिलेगा इसलिए आपने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तब डोमेन एक्चुअली उसका होता है साइन का आर लेकिन आपने ये जब रिस्ट्रिक्ट किया था तब
कर्व 1 1 1 2 मैंने नहीं पढ़ाया, इसलिए आपको ये समझाना का पॉइंट भी नहीं था। लेकिन लास्ट में जब मैंने ये चैप्टर कराया था तब आपको बोला भी होगा कि व्हाई वी आर रिस्ट्रिक्टिंग साइन टू दिस, बिकॉज़ वी वांट टू मेक साइन फंक्शन 1 1 एंड ऑन, जैसे एक टाइम का है जैसे एक कॉस का है सब। तो ये जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट होता है उसका रीजन है कि इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए आपको पहले फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2, तभी उसका इनवर्स एक्जिस्ट होगा। ओके सो